गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज जो प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाइस, वो है पॉन्चोज। ये सारी जो पॉन्चो हैं ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किए हैं। इनकी क्वालिटी, इनका कलर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। सारे प्रोडक्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। साथ ही में इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है स्वेट शर्ट को भी और एक हैंडबैग भी। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उनको मैंने परचेज किया है मिंत्रा से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियोज़ बना के लेके आ पाऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ वो है ये स्वेट शर्ट, जिसको मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया है। इसका जो कलर है वो है टी ब्लू कलर। साथ ही में इसमें जो है फ्लावर्स का प्रिंट बना हुआ है, जैसे कि आप कैमरे पे देख पा रहे हो। अभी मैं इसको ओपन कर देती हूँ आपके लिए। तो ये देखो गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। साथ ही में इसका जो फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने के साथ साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा वार्म भी है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें हमें इस तरीके का नेक मिल जाता है और नेक पे हमें फ्लीस का पैटर्न दिया हुआ है, तो इससे काफ़ी वार्म रहता है नेक हमारा। और इसका जो जिप का क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये है इसका पैटर्न। साथ ही में हमें इसमें जो है यहाँ पर पॉकेट दी हुई दोनों साइड में। और इसका जो अंदर का जो मटेरियल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके का है, तो काफ़ी वार्म रहता है ये। बोथ साइड से ये जो हमारी स्वेट शर्ट है ये बोथ साइड से प्रिंटेड है। पहनने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है, इसको जीन्स पर, कुर्ती पर ट्राई कर सकते हो। इसका MRP मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूँगी। मेरा ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये जो हैंडबैग है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया था और इसका जो ब्रांड है वो है मस्त एंड हार्बर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। गाइस प्लीज़ बैकग्राउंड में जो भी साउंड आपको आ रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर के पास में फील्ड है तो वहाँ पे बच्चे अपना क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये जो बैग है गाइस, इसका कलर है टैन कलर और इसका जो MRP मैं बता देती हूँ, इसका जो MRP है वो है 2699। लेकिन इसको मैंने बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में परचेज़ किया था, आई थिंक 1300 समथिंग में कुछ मैंने इसको लिया था। तो देखिए कितना स्पेशल है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। फर्स्ट जिप है इसकी फ्रंट में, ये दिखा और ये कितनी बड़ी पॉकेट है। देखो ज़्यादातर बैग में क्या होता है, पॉकेट्स होती हैं लेकिन थोड़ी स्मॉल होती हैं, ये पूरे बैग को कवर करती हुई पॉकेट है और ये काफ़ी डीप है, काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें। फिर इसका ये है हैंडल, इसको हम साइड कर देते हैं। और इसके मिडिल सेक्शन में यहाँ पे दो सेपरेट पॉकेट बनाई हुई है और जिप का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है इस तरीके से। ये देखो आप कितना अच्छा स्पेस है इसमें। और साथ ही में यहाँ पे हमें एक स्मॉल पॉकेट भी दिया हुआ है। इसके बाद ये सेकेंड पॉकेट है, ये देखो। और इस सेकेंड वाले पोर्शन में हमें पीछे की साइड एक और जिप दिया हुआ है, पॉकेट दिया हुआ है, लेकिन ये स्मॉल नहीं है, काफ़ी अच्छी खासा स्पेस है इसमें भी। ये देखो काफ़ी डीप है ये भी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी मेरी तरह इस तरीके से बहुत सारे जिपर वाले बैग पसंद हैं। और अब देखो इसके बैक पोर्शन में भी एक जिप है और वो भी पूरे बैग को कवर करते हुए, कोई स्मॉल पॉकेट नहीं है इसमें। ये देखो कितना बड़ा पॉकेट है। तो इस तरीके से ये बैग जो है बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा क्यूट, क्योंकि ये स्मॉल है। इतना ज़्यादा जिप होने के साथ में इसका साइज़ बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत अच्छा लगता है इसको कैरी करने में। नेक्स्ट जो मैं प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ वो है पॉन्चोज। तो फर्स्ट पॉन्चो है ये रेड कलर का, इसी का जो दूसरा कलर है वो है गाइस ये मजेंटा कलर। मैंने ये वाला परचेज़ किया था और इसको मैंने ट्राई किया, मुझे काफ़ी पसंद आया। इसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसका जो साइज़ है वो भी परफेक्ट है, ना कोई ज़्यादा लॉन्ग है और ना ही ज़्यादा ये शॉर्ट है। तो इसका जो वूल का क्वालिटी है और इसका जो जो इसको पहनने के बाद जिसका लुक आता है काफ़ी अच्छा आया था। और अभी मैं इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ आपको। तो गाइस इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसका दूसरा कलर भी परचेज़ कर लिया, वो है ये रेड कलर। दोनों सेम है, बस कलर का डिफरेंस है। अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, साथ ही मैं पिक्चर भी शो करूँगी, तो वहाँ भी आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। जैसे कि आप कैमरे पर देख पा रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा डार्क मैजेंटा कलर है, बहुत ही अच्छा कलर है। और ये जो है, ये जो पॉन्चो है ये वूलन पॉन्चो है, इसमें डिज़ाइन आप देख पा रहे हो, ये
वूल से बना हुआ है। साथ ही मैं इसमें जो गाइज आप देख यहाँ पे जो साइड में ये होता है टैसल्स, ये सिंगल सिंगल टैसल्स नहीं है, ये पूरी टैसल की एक लेस लगी हुई है इसमें, जो कि इसको काफ़ी डेंस है ये, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। मैं जब पॉन्चो सेलेक्ट कर रही थी तो उसमें ज़्यादातर पॉन्चोज में क्या था, सिंगल सिंगल टैसल्स इस तरीके से लगे हुए थे, तो उससे ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसको परचेज कर लिया। साथ ही इसका जो रेड कलर है वो भी गाइज बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर है। ये इसका रेड कलर है, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा पहनने पर, और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, तो आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो। ये देखो आप टैसल्स कितने अच्छे लग रहे हैं, इतने डेंस लग रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। नेक्स्ट जो है वो है ये दो पॉन्चोज, इनको भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही परचेज किया था, और ये भी वूल के ही हैं, दोनों सेम ब्रांड के हैं, सेम पैटर्न है गाइस, बस कलर डिफरेंस है। पहले मैंने इसको परचेज किया था मस्टर्ड येलो को, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये, और तो मैंने सोचा कि इसका एक कलर और परचेज कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे इसके कलर्स। फिर इसके बाद मैंने इसका ये वाला कलर परचेज किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा पहनने पर। तो इससे पहले जो गाइस मैंने पॉन्चो दिखाया था उसका तो हाई नेक था, और ये वाला जो पॉन्चो है इसमें कॉलर नेक है, लेकिन ये भी पहनने पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके जो टैसल्स हैं ये देखिए आप, इसके टैसल्स भी दूर दूर है, सिंगल सिंगल टैसल्स लगे हुए हैं, लेकिन काफ़ी डेंस है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पहनने पर लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ जाके आप ज़रूर देखना गाइज, आपको बहुत पसंद आएंगे ये। और आपको अगर ये प्रोडक्ट थोड़े भी पसंद आते हैं, मेरा कलेक्शन पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइज ये था मेरा आज का कलेक्शन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।